आज 8 अगस्त है और नवा मुहर्रम। हम गिलगित से सुबह सुबह इस्लामाबाद पहुँचे हैं और अपना सामान वगैरह होटल में रख के, ये हमारे राशिद भाई हैं, इनके साथ हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी गिलगित से इस्लामाबाद सफ़र करें तो राशिद भाई की गाड़ी और इनके साथ आ जाएं, आपको सफ़र का पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये गपशप भी बहुत अच्छी तरह करते हैं, गपशपी आदमी हैं और गाड़ी की ड्राइविंग भी बहुत स्मूथ और ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। तो इस वक्त हमने डिसाइड ये किया है, हम दामन कोह की तरफ जाएंगे और बच्चों को थोड़ा सा इस्लामाबाद की खूबसूरती दिखाएंगे और कैमरे के थ्रू आपको भी इस सफ़र में शामिल करेंगे। ये सामने मारगला की पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं और यहाँ पे मौसम बहुत ज़बरदस्त है। जी जनाब, हम बिल्कुल दामन कोह के करीब आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद का खूबसूरत मंज़र। तो ये मारगला हिल्स हैं दामन कोह की तरफ। जी ये हम दामन कोह पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बहुत अर्ली मॉर्निंग है तो इस वक्त यहाँ कोई रश वश नहीं है, बिल्कुल पुरसकून है और यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए मेरे ख्याल से ये बेहतरीन टाइम है और नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए। ये देखें आ गया, आराम से हाँ, व्हाट इज डूइंग। जी तो हम अभी बंदरों को बच्चों के साथ मुलाकात कराने के बाद हम जा रहे हैं ये दामन कोह के व्यू पॉइंट की तरफ। तो हम वहाँ जाके देखते हैं कि व्यू पॉइंट से इस्लामाबाद और ये एरिया कैसे दिखता है। बंदरों का तो एक पूरा प्लाटून है यहाँ पे, ये देखें हर जगह, ये देखें इसको सलाम करते हैं। हाँ बंदर भाई, की हाल है? अच्छा, कुछ मसला है स्किन पे, कोई मसला है? यहाँ बोर्ड्स पे मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस उर्दू में लिखे गए हैं कि घास को नुकसान नहीं पहुँचाना है, इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखना है और यहाँ के इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं देख रहा हूँ कि ऑल अराउंड यहाँ पे ज़मीन पे जूस के डब्बे, प्लास्टिक की थीलियाँ और पता नहीं क्या क्या हर किस्म का लीटर यहाँ फेंका गया है, तो यहाँ आने वाले लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि आप जो है जब यहाँ आते हैं तो अपना जो कचरा है वो अपने साथ प्लास्टिक की थैलियों में रखें। और यहाँ तो माशाल्लाह से डस्टबिन्स भी रखे हुए हैं, आप डस्टबिन्स का इस्तेमाल करें, उनको डस्टबिन्स में डाल दें। अगर डस्टबिन्स में आपको नहीं मिलते हैं या डस्टबिन्स में नहीं डालने का मौका मिलता है तो आप अपने लीटर को अपने साथ थैलियों में रखें और अपने गाड़ियों के साथ ले जाके किसी जगह बड़ी जगह डिस्पोज ऑफ कर दें। तो ये बहुत बुरी बात है कि आप यहाँ आते हैं और इंजॉय करने के बाद, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने के बाद आप लीटर यहाँ फैला के माहौल को गंदा करके चले जाते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जी तो ये आप देख लें, इधर सामने ही डस्टबिन पड़ा हुआ है लेकिन लोगों ने लीटर को इस तरह फेंका हुआ है। तो मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लीटर को जो है उठा के प्लीज़ डस्टबिन में डालें। थोड़ा सा अपना रोल हम उधर अदा करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे इस छोटे से काम से ये पार्क साफ बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन ये एक मैसेज देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब इधर आएँ तो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, खुद अपने आप को ये कन्विंस करें कि आपको इस तरह कचरा यहाँ नहीं फैलाना है, बल्कि इस कचरे को लेके आपने कहाँ डालना है, इमारत
ये मेरा बेटा भी सफाई कर रहा है। गुड, इस तरह डस्टबिन में प्रॉपरली इसको डाल दे ताकि यहाँ की इंतज़ामिया यहाँ से इसको रिमूव कर सके। तो ये है इस्लामाबाद अमनको का व्यू पॉइंट, यहाँ से आपको पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है। ये व्यू पॉइंट है इस्लामाबाद दामन कोह से इस्लामाबाद का मंजर। ये मादरी, ये मेरे बच्चे इहान और असनाथ, और यहाँ से आपको पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है। और ये हमारे राशिद भाई। ये हम इस वक्त दामन कोह से निकल के मुनाल की तरफ ऊपर चढ़ रहे हैं मारगला पहाड़ियों पे। जी तो ये हम इस वक्त मुनाल पे पहुंच गए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ा सा अर्ली हैं तो यहाँ नाश्ता वाश्ता नहीं खुला है। जी तो मारगला हिल से वापस आने के बाद हम अपने होटल में नाश्ता कर रहे हैं। ये पराठा कीमा